सो है गाइस, ये आज बात करने वाले हम येलो डॉलर के ऊपर। अगर आपके वीडियो पे येलो डॉलर आता है तो क्या आपकी अर्निंग बढ़ जाती है, और येलो डॉलर आने का रीजन क्या है, और इसी येलो डॉलर को रिमूव कैसे करें, आज इस वीडियो में पूरी डिटेल मिल जाएगी। तो यार वीडियो को पूरा लास्ट तक देखते रहिए। सबसे पहले यार वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो गाइस सबसे पहले बात करें येलो डॉलर हमारे अगर वीडियो में आ गया तो क्या हमें इससे बेनिफिट होगा। अगर आपने मान लीजिए पूरी मेहनत किया, वीडियो बना के अपने YouTube चैनल में अपलोड कर दिया, अगर उस पर आ गया येलो डॉलर, तो यार सबसे पहले बता दूं आपकी जो अर्निंग होती है बिल्कुल घट जाती है, आपकी वो वीडियो बनाना बिल्कुल वेस्ट है। अगर आप अर्निंग के लिए वीडियो बना रहे हो तो बिल्कुल वेस्ट है वीडियो, उस वीडियो से अर्निंग नहीं होने वाली। क्योंकि YouTube में दो डॉलर होते हैं, एक होता है येलो एक होता है ग्रीन। जो ग्रीन डॉलर होता है उससे अर्निंग बहुत होती है, जो येलो डॉलर होती है उससे अर्निंग बिल्कुल खत्म हो जाती है, होती ही ना है मेरे हिसाब से। तो ठीक है यार, सबसे पहले कोशिश करो कि येलो डॉलर कैसे मतलब क्यों आता है। तो यार येलो डॉलर आने का रीजन एक ही नहीं, बहुत सारे होते हैं। जो YouTube के गाइडलाइन होते हैं, कंडीशन होते हैं, तो उसकी वजह से आपके जो है YouTube येलो डॉलर आ जाता है। अगर मान लीजिए आप YouTube वीडियो शूट कर रहे हो, अगर आपने कुछ ऐसा शब्द बोल दिया अपने वीडियो पे, बोलने के बाद फिर उसे अपने चैनल में अपलोड कर दिया, तो यार आपके जो येलो डॉलर आ जाएंगे उसे कोई रिमूव नहीं कर सकता। इसलिए फोकस करो यार कि जो आप वीडियो शूट करो उस पर कुछ ऐसा शब्द ना बोलो जो कंडीशन के खिलाफ हो YouTube के, जिसकी वजह से आपके जो येलो डॉलर देना पड़ जाए YouTube के। यार अगर आपके येलो डॉलर आ गए तो आपकी अर्निंग नहीं होगी, तो ये वीडियो बनाना बिल्कुल वेस्ट होगा। अब बात करें इसे रिमूव कैसे करें। तो गाइस जैसे आप मैंने पहले ही बताया, जो आपके येलो डॉलर आने का रीजन होता है वो है आपके मतलब वीडियो शूट करने की वजह से आप कुछ गलत बोलते हो। तो यार इसे रिमूव करने के लिए आपको दो या तीन कंडीशन होते हैं। अगर आप वीडियो शूट करते हो तो कुछ ऐसा शब्द ना बोलो जो कंडीशन के खिलाफ हो, तो इसे तो आप खुद ही ठीक कर सकते हो, इसे हम कोई भी नहीं ठीक कर सकते। आप वीडियो शूट करने समय फोकस करो कि आप ऐसा कुछ शब्द ना बोलो जो गाइडलाइन के खिलाफ हो। और जो दूसरा रीजन होता है गाइस वो होता है वो टाइटल को लेकर। अगर आपने टाइटल कुछ ऐसा गलत डाला जिसकी वजह से मतलब कंडीशन गलत हो YouTube का, YouTube को आपको मतलब येलो डॉलर देना पड़ जाए, तो यार सबसे पहले आप अपना टाइटल ठीक कीजिए और डिस्क्रिप्शन पे फोकस कीजिए। क्योंकि यार मेरा सबसे पहले यहाँ पर देखो तो मेरा एक वीडियो है जिसमें येलो डॉलर आ गया था, और फिर ना उसे मैंने ठीक किया जिसकी वजह से मेरा येलो डॉलर ग्रीन डॉलर हो गया था। तो यार ये जी रीजन है, सबसे मेन रीजन होता है आपका थंबनेल। अगर आपने थंबनेल में कुछ ज़्यादा क्लिक बेट रखा है, कुछ ऐसा धासु वासु मतलब कि जो कंडीशन के खिलाफ हो, तो यार उसकी वजह से आपका जो येलो डॉलर आ जाता है। तो यार थंबनेल को बिल्कुल क्लियर रखो, क्लिक बेट रखो, बट उतना फास्ट क्लिक बेट ना रखो जो YouTube के कंडीशन के खिलाफ हो, और येलो डॉलर के बजाय आपको सस्पेंड भी करना पड़ जाए, तो मतलब इस रीजन की वजह से आपका येलो डॉलर आ जाता है। तो यार येलो डॉलर रिमूव करने के लिए आपको यही फोकस करना होगा, आप जो वीडियो शूट करें उस पर फोकस करके आप कुछ ऐसा गलत शब्द ना बोले जो कंडीशन के खिलाफ हो, और जो टाइटल लिखें बिल्कुल क्लियर टाइटल लिखें, डिस्क्रिप्शन अच्छे से भरें, और जो थंबनेल है उसे भी क्लियर रखें। तो यार इन चीज़ों को अगर आपने फोकस किया तो आपको येलो डॉलर बिल्कुल नहीं आने वाला। क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था, मैं पहले नहीं जाता था यार, मेरे में येलो डॉलर बहुत सारे आते थे, फिर मैंने इन चीज़ों को फोकस किया और कुछ टाइटल टैग ठीक किया कुछ वीडियो के, तो मेरे येलो डॉलर गैप हो गए और मैंने फिर येलो डॉलर आने ही नहीं दिया, क्योंकि मैंने सब कुछ बिल्कुल सही तरीके से लिखने लगा। तो यार ये थी मेरी तरफ से कुछ जानकारी। वीडियो पसंद आए प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस